यार ये व्यू चेक करें, मतलब अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तला खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तला खान व्लॉग्स में खुश आमदीद कहते हैं। पुराने तो जी लाइक करें, नए तो जी सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा पुराने तो जी कमेंट बाकी सब करें। बाकी आज की स्टोरी, आज हम जा रहे हैं जी बिटकोरी, और अभी टाइम हो रहा है मेरा भाई पौने आठ हो चुके हैं, और अभी हम जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिटकोरी। हमारे कुछ दोस्त थे, कुछ नहीं आ रहे, उसमें से हमारा एक फ्रेंड आ रहा है, तो हम जा रहे हैं। तो बाकी आज अल्हम्दुलिल्लाह आज मौसम सेट है, बारिश वगैरह तो भी नहीं बता रहा, बाकी अल्लाह मालिक है। अगर मैं रास्ते की परवाह करूँगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी मेरी, ये एक मिसाल है जी, दे दी रख लो। बाकी इस ट्रिप के हवाले से, ये ट्रिप हमारा होगा कोई तकरीबन 60-70 किलोमीटर है यहाँ से, कराची से बिटकोरी, मतलब कराची के रास्ता और बलूचिस्तान मिक्स है वो जगह है, सही है, मेन बलूचिस्तान नहीं है, वरना बलूचिस्तान तो बहुत अभी ख़तरनाक हुआ है, तो उस साइड पे तो नहीं जा रहे, लेकिन हाउसवे की तरफ से निकलेंगे इंशाल्लाह। और बाकी अगर किसी को कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम की आईडी आ रही होगी, इस पर सवाल हमसे कर सकते हो, और हम इंशाल्लाह जवाब देंगे। बाकी चलते हैं जी और इन्जॉय करते हैं राइड को अपनी। अभी ये कि अभी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह अभी कुछ भी नहीं किया, अभी हम जी सिर्फ निकल गए, क्योंकि हमने सोचा जब आगे जाते रहेंगे कहीं ना कहीं हम आगे जाके कहीं ना कहीं ब्रेकफास्ट कर ही लेंगे। Few moments later. ये जी रोड ओगलेगा, एक ये रोड भी आता है और एक आगे वाली साइड से माड़ीपुर से भी लगता है, हम यहाँ से निकले कोई मसला नहीं है, जहाँ से आना चाहे वहाँ से। तो जी ये आ गया हमारे लेफ्ट साइड पे जो है हमारे हॉग्सवे, और सामने जो है फिश चौरंगी आ चुकी है, और अभी हम इससे राइड पे चले जाएंगे, और राइड पे जाने के बाद हम इंशाल्लाह आगे जाके हम ब्रेकफास्ट करेंगे, और उसके बाद हम अपना सफ़र फिर आगे तय करते रहेंगे, और देखते हैं हमें मंजिल कितनी दूर तक लेके जाती है। बाकी हमारे लेफ्ट साइड पर जो है ये दुआ रेस्टोरेंट है, ठीक है। अभी पहले हम गए थे मुबारक विलेज, और अब हमने कहा चलिए जी अब हम अपना रुख करते हैं बिटकोरी की तरफ। बिटकोरी भी बड़ा खूबसूरत है, एक समंदर का साहिल ही है, मतलब बड़ा खूबसूरत है, अच्छा लगता है, मतलब बोले तो एकदम मतलब पहाड़ है और पहाड़ के नीचे समंदर है, तो मतलब एक नया देखेंगे तो मज़ा आएगा। और बाकी अभी हम ये जो है ये होटल है नासिर के सामने जो है रोड है, और रोड के साथ हमें और हमारे साथ ज़्यादा और ज़्याद के साथ हम हैं, और बाबा सलाम कर ले बाबा, यो ये बाबा है। थोड़ी हम यहाँ पे हमने सोचा थोड़ी पहाड़ का पिक्चर वगैरह ले लें, और ये हमारी धन्नो और ज़ियाद की धन्नो, और क्या नज़ारा है जी, कितना पीस माहौल है, क्या बोलते हैं ज़ियाद, मतलब कितना सुकून है ना यहाँ पे, बहुत सुकून, और ना बंदा ना बंदे की ज़ात है, सुकून लग रहा है, मतलब नेचर की ना एक एक चीज़ सुनाई दे रही है, हवा और वो जो परिंदे चहचाने हैं ना, वो मतलब बड़ा खूबसूरत लग रहा है। हवा फुल ऑफ रोडिंग, खराब हो गए, क्योंकि यहाँ की मिट्टी ऐसी ना गीली मिट्टी है, गीली तो उसके ऐसे ना टूट गए पूरे रोड, बड़ा बहुत अच्छा बने हुए रोड दैट्स बात है ये, लेकिन क्या करें यार, ये व्यू चेक करें, मतलब याद भी क्या बोलते हैं, मतलब क्या खूबसूरत है, मतलब मैं बोलता हूँ जिसको करीब आना हो ना तो यहाँ पे आया हो, हाँ ना, ऊँट वगैरह कितने अच्छे लग रहे हैं, छोटे छोटे से दिख रहे हैं, मस्त लश लग रहे हैं, आतंक।
ये बिटकोरी कौन सा रास्ता जाएगा? बिटकोरी ये वाला ना। चलो क्योंकि ये थोड़ा कच्चा रास्ता है यहाँ पे बिटकोरी का। चलिए जी, ये एक्चुअली पूरा आबादी से होते हुए जाता है। हैं? हाँ, यहाँ का रोड ऑफ रोडिंग है पूरा। ये पूरा ऑफ रोड है, साइड पे समंदर, फुल ऑफ रोडिंग। सही बात है, हमें आगे तक जाना है फुल। अभी हम जिन रास्तों से आए ना, वो काफी ऑफ रोड था, बहुत ही, मतलब बहुत ज्यादा ऑफ रोड। और अभी जो है वो खतरनाक था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छे, क्या बोलेंगे, अच्छे रोड जो हैं, अच्छी सड़कें ज़रूरी नहीं है कि सही रास्ते पे लेके जाएं, खूबसूरत रास्ते पे। कभी कभी ख़राब रोड भी, ख़राब सड़कें भी जो हैं आपको एक खूबसूरत मंजिल तक पहुंचाती हैं मेरा भाई। तो हमने ख़राब सड़कें, खाइयाँ, पत्थर, ये वो ऑफ रोड करते हुए हम इस खूबसूरत नज़ारे पे पहुंचे हैं जी। मतलब यहाँ की बात ही अलग, क्या बात है। व्यू देखें मेरा भाई, क्या खूबसूरत व्यू है। मतलब मजा आ गया जी, मजा ही मजा भाई। मतलब ऐसा कोई रोड था ना भाई, ऐसी ऑफ रोडिंग, अल्लाह माफ करे, साइड पे खाई और हमारी बाइक, हमारे भाई के भी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गई यहाँ पे। बाकी जो बात है, खतरनाक, बहुत खतरनाक था रोड, बहुत जबरदस्त जगह है। अबे जगह तो बड़ी थी, रोड बड़ा खतरनाक है। मजा आ गया। ये है जी बिटकोरी, और ये हम है, वो हमारी बाइक है, और ये है पीछे बिटकोरी, खूबसूरत समंदर, ब्लू ब्लू। लाइफ में हर चीज का एक्सपीरियंस करना चाहिए। और मैंने डिसाइड करा है कि पीछे पहाड़ जो है ना, ये अभी कैमरे में आपको छोटे लग रहे होंगे, लेकिन काफ़ी ऊंचे पहाड़ हैं ये। तो हम ऊपर जाते हैं और ऊपर से हम व्यू देखते हैं कैसा लगता है। तो ज्यादा रेडी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ओके भाई, फुल एडवेंचर। चलो मैं तो पहली फुर्सत में चलूँगा। चलिए जी, फाइनली डिसीजन तो हमने ले लिया है, और हम जब करीब करीब आ रहे हैं तो और ऊपर जा रहे हैं ये पहाड़। अब हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ चलेंगे तो फिर मज़ा आएगा। ऊपर का तो व्यू ही फिर अलग होगा ना। जा रहे हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। पत्थर है ना, आउट थोड़ा सा वो होगा। तो पहले ज्यादा पहुंची है ऊपर, और हम देर में पहुंचे। हालत खराब हो गई भाई, सांस नहीं रुक रही। पर व्यू है मेरा भाई, क्या खाली घर है ना, दादा ही सारे। बाकी सामने वो जो दिख रही है पहाड़ी, वो चरना आइलैंड है, उस साइड पे मुबारक विलेज है, ये बिटकोरी है पूरा। मतलब बिटकोरी एक तरह का ये गांव का नाम है, यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, आबादी है यहाँ पे बेसिकली सारी। आतंक हो गया मेरा भाई, आतंक। तो भाई ऊपर तो आ गए भाई, ऊपर आने में हम माना कशिदगी हुई है ये, लेकिन अब नीचे जाने में, कुछ नहीं होगा, लेकिन हम इतनी स्पीड में जाएंगे कि हम लुढ़क सकते हैं। तो हम लुढ़कना नहीं है, क्योंकि ये जो पत्थर है ना, ये बड़े स्लिप हो रहे हैं एकदम से, पाँव रखो तो स्लिप होते हैं। तो जाते हैं, कैमरा बंद करेंगे और फिर अपनी जान को मद्देनज़र रखते हुए हम नीचे उतरेंगे दोनों। बड़ी मुशक्क़तों से यहाँ पहुँच गए हम समंदर के पास। अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे मछलियाँ पकड़ रहे हैं लोग, तो उनकी फ़िशिंग देखने जा रहे हैं। अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे मछलियों का शिकार हो रहा है ना, नेचर गंदा कर रहा है।
इतनी दूर है तो खुर खुर के मज़े भी ले लिए जाए। तो भाई यार मज़ा आया भाई, मस्त इंजॉय करा। और वीगो देखे हैं, वीगो भी वहीं से आई है जहाँ से हम लोग हैं, वो ऊपर जा रही है वीगो। हाँ ना, बहुत भी गाड़ी का यहाँ तक बाइकें आती हैं, इससे आगे बाइकों की कोई भी जगह नहीं है, ये एंड है बिटकोरी का। तो यार व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को। बाकी कुछ भी अगर पूछना हो तो भाई से इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे मैसेज करना या यूट्यूब पे कमेंट करना, कमेंट में भी आपका भाई रिप्लाई करेगा, ऐसी बात नहीं है। बाकी दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह इसी तरह मिलते हैं किसी अच्छे से व्लॉग में। तब तक भाइयों को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा और अपने ड्रीम्स को पूरा करते रहो और मोहब्बत फैलाते रहो। अल्लाह हाफिज़। अबे बहन नेचर गंदा कर रहा है।